Hello everyone, I am Dr. Shafila. Welcome to Sessions on Environmental Studies provided by IGNUTOS. So let's start with the first question of session 19. So that is, during inversion, temperature increases with altitude, temperature decreases with altitude, temperature remains constant, or then none of above. So let's understand first ki inversion kya hota hai, in temperature inversion ya inversion kya hota hai. देखो अगर हम एटमॉस्फेयर की बात करें, हमारा जो एटमॉस्फेयर है इट इज डिवाइडेड इनटू लेयर्स. एटमॉस्फेयर की फाइव लेयर्स हैं, मेन फाइव लेयर्स हैं. सो दोज आर डिवाइडेड अकॉर्डिंग टू द टेम्परेचर. इन सम ऑफ द लेयर्स टेम्परेचर इज इंक्रीजिंग विद हाइट, इन सम ऑफ द लेयर्स टेम्परेचर इज डिक्रीजिंग विद हाइट. सो अगर हम फर्स्ट लेयर की बात करें, सो दैट इज फर्स्ट लेयर आपकी एटमॉस्फेयर की है ट्रोपोसफेयर, जिसमें हम लोग रहते हैं. सेकेंड लेयर एटमॉस्फेयर की है स्ट्रेटोसफेयर. थर्ड लेयर इज मेसोसफेयर. Then we have ionosphere or thermosphere, and last layer जो हमारी है that is exosphere. ठीक है, अगर हम troposphere की बात करें जिसमें हम लोग रहते हैं, so when we go up in atmosphere in troposphere from earth, तो temperature decrease होता है with height. अगर हम stratosphere की बात करें, in stratosphere temperature increases with height. अगर हम मेसोसफेयर की बात करें उसमें temperature again decreases. ठीक है, तो so on ऐसे चलता है. ठीक है, अगर हम सपोज ट्रोपोसफेयर की ही बात करें जहां पे हम लोग रहते हैं, सो इसमें बता रही हूँ कि लेवल ग्राउंड पे एवरेज टेम्परेचर इज 15 डिग्री सेल्सियस. जब हम थोड़ा ऊपर जाते हैं तो ये टेम्परेचर आपका डिक्रीज होना स्टार्ट हो जाता है. ठीक है, सो अगर हम ये डिक्रीज की बात करते हैं कि विद हाइट टेम्परेचर डिक्रीजेस, तो दिस इज नॉर्मल. बट अगर वही टेम्परेचर ट्रोपोसफेयर में इंक्रीज करना स्टार्ट कर दे विद हाइट, so we are talking about temperature inversion in context of troposphere. ठीक है, so temperature inversion हम troposphere के context में ही use करते हैं. and normal जो अगर हम troposphere की बात करें, उस layer में जिस layer में हम लोग रहते हैं उस layer में temperature decrease होता है with height. लेकिन अगर वो decrease होने की बजाय वो increase होना शुरू हो जाए with height, तो उसको हम लोग बोलते हैं टेम्परेचर इन्वर्जन. ठीक है, सो टेम्परेचर इन्वर्जन इज व्हेन टेम्परेचर इंक्रीजेस विद एल्टीट्यूड, हाउएवर इट शुड डिक्रीज विद एल्टीट्यूड इन ट्रोपोस्फीयर. सो आंसर आपका आ गया ए. क्लियर. देन अमंग द फॉलोइंग द ओनली सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट इज. सो फॉर मोर इन्फॉर्मेशन कि सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं, यू कैन गो बैक टू द प्रीवियस सेशन, सेशन 89. सो वहां पे हम लोगों ने सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट को डिस्कस करा है. सो अभी हल्का सा लाइक आई विल ब्रीफ इट कि सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स क्या होते हैं. सो सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स का कोई डायरेक्ट सोर्स नहीं होता, दे आर द कॉम्बिनेशन ऑफ टू पॉल्यूटेंट या फिर टू कॉम्पोनेंट्स ऑफ एयर. अगर हम प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट की बात करें, उनका कोई डायरेक्ट सोर्स है, वो किसी ना किसी मैनमेड एक्टिविटी या किसी ना किसी नेचुरल एक्टिविटी से रिलीज होते हैं. अगर हम सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट की बात करें, वो कहीं से रिलीज नहीं होते, बट दे आर द कॉम्बिनेशन ऑफ टू, तो उनको हम सेकेंडरी बोलते हैं. अगर हम ऑप्शंस की बात करें, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स, देखो नाइट्रोजन ऑक्साइड्स अगर आपका फ्यूल बर्न होता है, नाइट्रोजन ऑक्साइड्स में वी डू टॉक अबाउट टू थ्री ऑक्साइड्स, नाइट्रस ऑक्साइड दैट इज N2O, नाइट्रिक ऑक्साइड दैट इज NO, या नाइट्रोजन ऑक्साइड दैट इज NO2. ठीक है, नाइट्रोजन डाइऑक्साइड NO2, नाइट्रिक ऑक्साइड NO, या फिर नाइट्रस ऑक्साइड N2O. तो वी आर टॉकिंग अबाउट दीज थ्री मेन ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन. इन तीनों का सोर्स डायरेक्ट है, ये डायरेक्ट दे डायरेक्टली रिलीज इज फ्रॉम द बर्निंग ऑफ फ्यूल, चाहे तुम इंडस्ट्रीज में कह लो या तुम व्हीकल्स में कह लो. तो वेन यू आर बर्निंग अ फ्यूल ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन रिलीज इज, तो ये प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट है. अगर हम सल्फर डाइऑक्साइड की बात करें, सल्फर डाइऑक्साइड SO2 इज अगेन अ प्राइमरी एयर पॉल्यूटेंट, बिकॉज ये भी आपका रिलीज होता है फ्रॉम द बर्निंग ऑफ फ्यूल. इफ वी टॉक अबाउट सल्फर ट्राइऑक्साइड, ठीक है, सो सल्फर ट्राइऑक्साइड जो है SO3, इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू, वन इज सल्फर डाइऑक्साइड, सेकेंड इज ऑक्साइड्स, है ना, ऑक्साइड सिरम, तो ऑक्सीजन या. सो सल्फर ट्राइऑक्साइड डायरेक्टली रिलीज नहीं होता, बट इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ टू कॉम्पोनेंट्स, एयर पॉल्यूटेंट एंड एयर कॉम्पोनेंट, उन दोनों से मिलकर आपका क्या बना है, सल्फर ट्राइऑक्साइड. सो इट इज अ सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट, तो सल्फर नहीं है, इट इज सल्फर ट्राइऑक्साइड. आई होप इट इज क्लियर. फॉर मोर इन्फॉर्मेशन प्लीज गो बैक टू द प्रीवियस वीडियो, दैट इज वीडियो नंबर 89, जहां पे हम लोगों ने अच्छे से रिएक्शन के थ्रू डिस्कस करा है कि प्राइमरी एंड सेकेंडरी एयर पॉल्यूटेंट्स क्या है.
अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, एज फार एज दिस क्वेश्चन इज कंसर्न, सो आंसर इज सी, दैट इज सल्फर ट्राइऑक्साइड. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग ग्रुप्स ऑफ द प्लांट कैन बी यूज्ड एज इंडिकेटर ऑफ सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन इन एयर. दिस क्वेश्चन ऑल्सो वी हैव डन इन प्रीवियस स्लाइड्स. सो अगर हम बात करें बायोलॉजिकल इंडिकेटर की बात करते हैं, बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स होते हैं आपके लिविंग कॉम्पोनेंट्स जो कि किसी पॉल्यूशन का इंडिकेटर है, ठीक है. सो उनको हम बायोलॉजिकल इंडिकेटर्स बोलते हैं. यहाँ पे क्वेश्चन में कह रहे हैं कि कौन सा जो प्लांट है उसको हम एयर में ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर का इंडिकेटर मान सकते हैं. अगर ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर का पॉल्यूशन है सो कौन सा प्लांट हम इंडिकेट करते हैं कि यस तुम्हारी एयर में ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर है. तो दैट यू हैव टू टेल. ऑप्शंस आर एपिफिटिक लाइकन, फॉर्न्स, लीवर वॉट या फिर हॉर्न वॉट, ठीक है. सो फॉर्न इज अ प्लांट, लीवर वॉट या हॉर्न वॉट की बात करें ये भी आपके प्लांट्स हैं, बट दीज आर द नॉन वैस्कुलर प्लांट्स, मतलब इनकी रूट्स नहीं होती हैं. सो दे एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स एंड वाटर थ्रू देयर सर्फेसिस. जो ए पिक्चर है इट इज वन ऑफ द एग्जाम्पल ऑफ लीवर वॉट और हॉर्न वॉट, ठीक है. सो बेसिकली ये दोनों आपके ब्रायोफाइट्स हैं. सो ब्रायोफाइट्स होते हैं जिनकी जो नॉन वैस्कुलर प्लांट्स हैं. फॉर्न इज प्लांट, ठीक है. एपिफिटिक लाइकन की बात करें सो बी आप स्क्रीन पे पिक्चर देख सकते हो, बी इट इज एन एग्जाम्पल ऑफ लाइकन. लाइकन इज बेसिकली अ सिम्बायोटिक रिलेशनशिप बिटवीन फंगस एंड एल्गी, ठीक है. सो लाइकन दे लुक लाइक अ लीफ. ये आपको किसी ट्री के ऊपर या रॉक के ऊपर लीफ की तरह स्टिक होते हुए चिपके हुए मिलेंगे एंड आपको यही लगेगा शायद कोई ग्रीन पत्ता है, बट बेसिकली इट इज अ लाइकन. लाइकन में मेजर जो करेक्टरिस्टिक्स होती हैं वो फंगस की होती हैं, बट इट इज एन एसोसिएशन ऑफ बोथ फंगस एंड एल्गी. एंड लाइकन जो है इनका जो नंबर है वो कम हो जाता है. दे स्टार्ट द नंबर ऑफ द लाइकन स्टार्ट्स डिक्लाइनिंग व्हेन देयर इज मोर पॉल्यूशन पॉल्यूटेंट लाइक सल्फर ऑक्साइड्स इन एयर. सो एयर में जब सल्फर ऑक्साइड का पॉल्यूशन ज्यादा हो जाता है तो लाइकन का नंबर कम हो जाता है. ये एक इंडिकेटर है कि आपकी एयर में ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर ज्यादा है, ठीक है. सो आंसर आपका आ गया ए, एपिफिटिक लाइकन. क्वेश्चन नंबर 4, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑन इनहेलेशन डिजॉल्व इन ब्लड हीमोग्लोबिन मोर रैपिडली देन ऑक्सीजन. सो इनमें से कौन सा आपके ब्लड हीमोग्लोबिन में ज्यादा जल्दी घुलता है देन ऑक्सीजन. ऑप्शन आर सल्फर डाइऑक्साइड, कार्बन मोनोऑक्साइड, ओजोन या नाइट्रोक्स ऑक्साइड, ठीक है. देखो अगर हम बात करें हमारी बॉडी में जो हीमोग्लोबिन है, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ दैट हीमोग्लोबिन. मेजर फंक्शन इज टू सर्कुलेट ऑक्सीजन इन आवर बॉडी. सो हीमोग्लोबिन को हम HB बोलते हैं, ठीक है. सो व्हेन वी इनहेल ऑक्सीजन हीमोग्लोबिन इट अटैच टू ऑक्सीजन और वो बना लेता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन. सो दिस इज नॉर्मल एंड उसके थ्रू HB के थ्रू हमारी पूरी बॉडी में ऑक्सीजन सर्कुलेट होता है. बट अगर आप पिक्चर देखोगे स्क्रीन पे मैंने लिखा है लास्ट में डबल स्टार से, अफिनिटी ऑफ हीमोग्लोबिन फॉर कार्बन मोनोऑक्साइड इज 200 times मोर देन ऑक्सीजन, ठीक है. सो मतलब अगर हम ऑक्सीजन की हीमोग्लोबिन की अफिनिटी की बात करें फॉर द कार्बन मोनोऑक्साइड इट इज 200 times मोर देन ऑक्सीजन. अफिनिटी मीन्स अट्रैक्शन. सो हीमोग्लोबिन का फंक्शन तो है टू अटैच विद ऑक्सीजन, बट जब उसको एक भी मॉलिक्यूल या जब उसको CO मिलती है वो CO की तरफ भागना स्टार्ट करता है. कितनी तेजी से भागना स्टार्ट करता है, 200 times फास्टर देन ऑक्सीजन, ठीक है. सो CO क्या करता है, इंस्टेड ऑफ अटैचिंग और कंबाइनिंग विद CO इट स्टार्ट्स कंबाइनिंग विद इंस्टेड ऑफ कंबाइनिंग विद ऑक्सीजन इट स्टार्ट्स कंबाइनिंग विद CO. तो यू कैन सी ऑन स्क्रीन मैंने लिखा है CO प्लस HB इज इक्वल टू COHB. सो कार्बोक्सी हीमोग्लोबिन बन जाता है इंस्टेड ऑफ ऑक्सी हीमोग्लोबिन. सो जिसके कारण हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की सर्कुलेशन नहीं हो पाती, कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड जो हीमोग्लोबिन का है वो कम हो जाता है, ठीक है. कैरिंग ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी ऑफ ब्लड कम हो जाता है क्योंकि उसमें अब वो ऑक्सीजन को कैरी नहीं कर रहा, उसके साथ क्या है CO है. सो जिसके कारण हमारी बॉडी में ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी हो जाती है, उस टर्म को हम बोलते हैं, उस सिचुएशन को हम बोलते हैं हाइपोक्सिया. ऑक्सीजन की डेफिशिएंसी होना मतलब वी मे डाई बिकॉज वी विल फील सफोकेटेड. सो जिससे हम लोगों की डेथ हो जाती है या हो सकती है. सो दैट तो अगर हम क्वेश्चन की बात करें कि किसको इनहेल करके कौन जल्दी हमारे ब्लड में हीमोग्लोबिन में रैपिडली डिजॉल्व होता है, सो दैट इज कार्बन मोनोऑक्साइड. सो आंसर इज बी. मूविंग ऑन टू द लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेशन 90, स्मोग क्या होता है. देखो स्मोग अगर हम कहें
लेमैन लैंग्वेज में उसको हम बोलते हैं कि स्मोग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ फॉग एंड स्मोग. बट हम लोगों ने लाइक इन वन ऑफ द प्रीवियस सेशंस वी डिड डिस्कस कि स्मोग को बनने के लिए बहुत सारी कंडीशंस एयर में होने जरूरी है, बहुत सारे और पॉल्यूटेंट्स जो हैं वो होते हैं तब जाके स्मोग बनता है. बट इन लेमैन लैंग्वेज नॉर्मली लोग कहते हैं कि स्मोग इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फॉग. ठीक है, सो हमारे पास आंसर तो हमें मिल रहा है बी, अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फॉग. बट ए क्या है, वेदर स्मोग इज अ नेचुरल फिनोमिना? नो, स्मोग नेचुरल फिनोमिना नहीं है. हम लोगों के कारण, हम लोगों की एक्टिविटीज के कारण एयर में आपके ऑक्साइड्स ऑफ नाइट्रोजन, ऑक्साइड्स ऑफ सल्फर, पैन, ओजोन, ये सब एड होता है जिसके कारण आपका स्मोग बन रहा है. ठीक है, सो इट इज नॉट अ नेचुरल फिनोमिना. स्मोग वॉज नॉट दैट पॉपुलर लाइक फ्यू ईयर्स बैक से ही हम लोगों को ये ज्यादा सुनने को मिल रहा है, स्पेशली इन नॉर्थ इंडिया कि हम लोग ज्यादा सुन रहे हैं कि स्मोग है. बट मेनी ईयर्स बैक तो हम लोगों को पता ही नहीं था कि स्मोग भी एग्जिस्ट करता है. एग्जिस्ट तो करता था फॉर श्योर, बट इतना कॉमन नहीं था बिकॉज इट इज नॉट अ नेचुरल फिनोमिना. इट इज कलरलेस? नो, स्मोग आपके दो तरह के हैं, एक होता है क्लासिकल स्मोग, एक है फोटोकेमिकल स्मोग. अगर मैं फोटोकेमिकल स्मोग की बात करूं वो आपका येलोइश ब्राउन कलर का होता है, सो इट इज नॉट कलरलेस. स्मोग आपको दिखता है जब आपके एयर में स्मोग है, तो यू कैन सी इट, मतलब इट इज नॉट अ कलरलेस. सो आंसर आपका ऑल ऑफ अबव नहीं आएगा. आंसर इज इट इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फॉग. सो यू हैव टू बी वेरी केयरफुल वेन यू आर टिक सम ऑप्शंस, क्योंकि अगर आपको लगेगा कि ऑल ऑफ अबव है या नन ऑफ अबव है कि शायद वही आंसर है, हमेशा ये ट्रू नहीं होता. ठीक है, सो यू हैव टू बी केयरफुल फॉर दैट बिफोर आंसरिंग एनी क्वेश्चन. सो ऑल ऑफ द अबव इसका आंसर नहीं है, इसका आंसर है अ कॉम्बिनेशन ऑफ स्मोक एंड फॉग. सो दिस वॉज द लास्ट क्वेश्चन ऑफ द लर्नर ऑफ द सेशंस. So those who are doing whether PG or UG degree from IGNU, IGNU Dost is there to help you out. We at IGNU Dost are providing live and recorded classes. We are giving value added notes to our learners and we are also helping our learners for exam through exam feedback. In IGNU Dost, the continuous support from professional mentors is there who are helping in completing and submitting the assignments for career development and even for skilling the personal and social development. For more information, you can reach us out on the number 7594939297 via call or WhatsApp. You can also visit the official website of IGNU Dost. Thank you. See you in the next session.